हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कुछ खास खबर है उनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत अहम हैं जो दो नोटिस जारी हुए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, प्राइवेट फॉर्म को लेकर काफी परेशान हैं और अफवाह फैल रही है कि प्राइवेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्राइवेट के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, प्राइवेट के जो फॉर्म है बहुत जल्द आने वाले हैं। हो सकता है जो इसी वीक में आपके प्राइवेट के फॉर्म आ जाएं, और ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि प्राइवेट के फॉर्म आपके आने वाले हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे उनके लिए प्राइवेट के फॉर्म आने वाले हैं। ऐसा नहीं है जो चीजें चल रही थी कि प्राइवेट के फॉर्म अब नहीं आएंगे, ये सब सारी चीजें नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपके प्राइवेट के फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सेकंड ईयर है, जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, जो थर्ड ईयर में हुए हैं, तो वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। तो जो आपके फॉर्म है प्राइवेट के फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं, इसी वीक में आने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आगे बात करें, जो हमारे और सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे, तो जो ट्रेडिशनल कोर्स की लास्ट डेट थी वो 5 तारीख थी, और जो प्रोफेशनल कोर्स की लास्ट डेट थी वो हमारी 7 तारीख थी। लेकिन अब उसको ध्यान में रखते हुए काफी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस डेट को एक बार बढ़ा दिया गया है। अब जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, वो आप 12 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 12 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 15 तारीख तक आप अपने कॉलेज में आपको फॉर्म फिल करके सबमिट कराना होगा, और फिर कॉलेज की तरफ से जो यूनिवर्सिटी में सबमिट होना है वो 17 फरवरी तक सबमिट होना है। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आपके एग्जाम हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं उनके एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने हैं, और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके जो एग्जाम हैं वो आपके 25 फरवरी से स्टार्ट होने हैं। अब यहां पर एक बच्चों का और कंफ्यूजन है, जो एलएलबी वाले बच्चे हैं, जो 3 ईयर एलएलबी है, उसमें जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म है वो अभी नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि एलएलबी के लिए तो अभी एडमिशन ही चल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो एलएलबी आपका थर्ड सेमेस्टर है और फिफ्थ सेमेस्टर है उसके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको आप मत छोड़ दीजिएगा। आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के अभी आपके एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपका BA LLB है, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जो हमारे ईयरली मोड के कोर्सेज हैं उनके अभी जो बहुत जल्द आने वाले हैं, उनके जो फॉर्म होंगे वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। अभी जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो साथियों, मैंने ऑलमोस्ट जो ये फॉर्म के बारे में सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इससे आगे बात करें, जो एलएलबी के लिए एडमिशन चल रहे हैं, तो पहली मेरिट लिस्ट के एडमिशन हो चुके हैं, जो ओपन मेरिट लिस्ट जारी की गई थी एलएलबी 3 ईयर के लिए। अब दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट जारी होनी है, लेकिन मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, जो बच्चे अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, अभी तक अपना उन्होंने एलएलबी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो सिर्फ 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा। हो सकता है वो कल हो जाए या परसों हो जाए। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो जो बच्चे नए हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।